हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा ब्लॉग है ये थोड़ा क्या काफ़ी पुराना ब्लॉग है। लगभग एक महीना हो गया होगा शायद इस ब्लॉग को, लेकिन इसको जो है बीच में मैं एडिट नहीं कर पाई थी, तो इस वजह से जो है इसको मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस ब्लॉग को जो है इंजॉय करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी कर रही हूँ मैं यहाँ पर पैकिंग। एक्चुअली निकलना है थोड़ी देर में। कल मैंने सारे कपड़े वापस निकाल दिए थे क्योंकि मौसम ना थोड़ा ऐसे ही खराब सा हो रहा था। मुझे लगा शायद बारिश होगी। अभी भी मतलब हल्का सा बादल है, ऐसी धूप थी पहले, लेकिन अभी जो धूप चली गई है तो मुझे लगा था शायद मैं ना जा पाऊँ, क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो रहा था तो जाके कोई फायदा भी नहीं था। तो चलिए अभी पैकिंग कर लेती हूँ मैं फटाफट से। थोड़ी बहुत ही करनी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि परसों या फिर उसके नेक्स्ट डे मैं वापस आ जाऊंगी, क्योंकि बच्चों के ट्यूशंस वगैरह है। और एक मैं स्वेटर भी डाल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे ना गांव में थोड़ा सा ठंडा है, तो स्वेटर जो है डालनी पड़ेगी एक, क्योंकि मौसम अगर बारिश हो गई तो कभी भी मतलब अचानक से ठंडा हो जाता है, और ठंडा हो जाता है जल्दी से फटाफट से। तो इस वजह से जो है मुझे एक स्वेटर भी डालनी पड़ रही है साथ में। बाकी मौसम का कुछ पता नहीं चलता है कब मौसम चेंज हो जाए, और वैसे भी अब तो ठंड शुरू हो ही चुकी है, इस वजह से जो है मैंने एक स्वेटर भी डाल दिया साथ में। मैं भी नहा के आई थी, बाल गीले थे इस वजह से जो है खुले थे बाल थोड़ा सा जो है। और आज ना मैं साड़ी पहन के जाऊंगी, काफी टाइम बाद जो मैं आज साड़ी पहनने वाली हूँ। काफ़ी टाइम क्या, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है जब से मैंने साड़ी नहीं पहनी है। हाँ, लगभग 2 साल बाद शायद मैं साड़ी पहनूंगी। और अभी ना फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे इस छोटे वाले बैग में कपड़े सारे नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से जो है मुझे फिर ऊपर से बड़ा वाला बैग निकालना पड़ा और वापस जो है मुझे इस बड़े वाले बैग में जो है दोबारा से पैकिंग करनी पड़ी। तो चलिए मैं जो है फटाफट से पैकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे देहरादून तो जाना ही है और यहाँ पर मौसम भी अभी थोड़ा ऐसे ही हो रहा था। तो यहाँ पर जो है मैं साड़ी पहन रही थी और बड़े मुश्किल से पहनी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है आज साड़ी पहनी, तो इस वजह से थोड़ी सी जो है साड़ी पहनने में प्रॉब्लम हो रही थी, बट फिर फाइनली पहन दी थी मैंने। तो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं अपने घर से देहरादून के लिए, अभी और हमारी बच्चा पार्टी लोग खाने के लिए। तो गाइस, अभी मम्मा यहाँ पे पहली फर्स्ट टाइम साड़ी के साथ कार को ड्राइव कर रही है। तो गाइस, हमारा निकाल रहा अभी चोको पाई और देगा, ये हमारे साहब जी है। थैंक यू साहब जी, थैंक यू खाने के लिए, थैंक यू। ओम नम नम नम, ये हमारे निक्कू के लिए लीजिए भाई, खा रहे हैं। अब हम आपको फाड़ के दिखाएंगे गाइस, देखिए इसको। तो गाइस, ऐसे पकड़ने पड़ते हैं गाइस, फिर यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे दबाना पड़ता है, जब ऐसे नहीं फटता गाइस, सभी को आता है भाई खोलना, ज्यादा दम लगाना पड़ता है। देखिए गाइस, ये सब ब्राउन ब्राउन से होते हैं अंदर से। और गाइस, अब इसको मेरे को दे देना पड़ता है, दे 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 गाइस, इसको सिर्फ मैं कटक सकता हूँ, तुम्हारे लिए सही नहीं होता ये, मैं खाता हूँ ये, बड़े बच्चे खाते हैं, छोटे नहीं खाते। हमारी ये मेरी दवाई है, मेरे को खानी है। गाइस, खाना है आपको, लो पेट्रोल। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल भराने। और फ्रेंड, जो हाईवे बना है ना अब देहरादून से हरिद्वार के लिए, या हरिद्वार से देहरादून के लिए, कुछ भी बोल सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया बने हैं। पता ही नहीं चलता कि कब देहरादून पहुँचिए, कब हरिद्वार पहुँचिए, बहुत ही बढ़िया जो है रोड बनी है। और यहाँ पर जो साइड साइड में आप पेंटिंग्स देख सकते हैं, वॉल्स पर ये पेंटिंग्स बनी है। और बेटा जो इसका मुँह साइड कर रहा है कि साइड हो जा भाई, आगे का व्यू दिखाने दे मुझे। तो यहाँ पर जो है वॉल्स पे बहुत ही प्यारी प्यारी जो है पेंटिंग्स बनी हुई है, जितनी भी पेंटिंग्स बनी हुई है वॉल्स पर दोनों साइड में, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई है। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको थोड़ी देर आगे। देख सकते हो थार को हमने पीछे छोड़ दिया। और यस, व्यू बहुत अच्छा है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो तो बड़ा मजा आता है ट्रैवलिंग में। ओ बाप रे।
और फ्रेंड्स आज ना हम लोग देहरादून नहीं जाएंगे क्योंकि देहरादून में कोई भी नहीं है। आज मम्मी लोग जो है सब लोग पापा लोग भाई लोग सब लोग गांव जा रखे हैं मायके में ही, क्योंकि वहां पर जो है गांव में उन्होंने आज जो है जागरण रखा हुआ है। तो आज हम सब लोग वहां जाएंगे और सुबह जो है वापस देहरादून आएंगे सब लोग। दादी के फोन में चला रहेगा इस थोड़ा सा क्लाइमैक्स लाने के लिए, पर हमारा पोपट बन रहा है क्योंकि आपको अच्छे से सुनाई नहीं दे रही होगी। तो गाइस ये कार वाला अपनी पूरी स्पीड में कार लेकर आ रहे हैं। हाँ वो वाला क्या बोलते हैं कौन सा था, फर वैली फ्लाई ओवर बोलने वाला था मैं अभी, क्या डोई वाला फ्लाई ओवर। हाँ वो वाला चलो गाइस मिलते हैं आपसे बाद में। चिप्स और ले लेना अभी रोक सकते हम लोग। तो गाइस अभी लेना है इसके लिए मेरे छोटे भाई के लिए हाजमोला। गाइस खरीदने के लिए गए हैं भैया, ये तो हमको मिल ही चुका है। यस गाइस ये मेरा है, ये मिस्टर निकेश पवार का है, पकड़िए इसे। ये गाइस मेरी दादी है, ये मेरा कजन है तीसरा वाला भाई। अब मैं और मम्मा को मैंने छुपा के रखा था कि किसी को मिलेगा गाइस, मने चोर सब खा लेते हैं गाइस। अपनी दादी से फट नहीं रहा था तो मैंने फाड़ दिया। यार मौत ले रहा है गाड़ी में आगे बैठ के। ए ए ए ए ए वाऊ वाऊ ए वाऊ ए इस क्लॉक टावर सामने देहरादून का फेमस क्लॉक टावर। फेमस है ना ये भी क्लॉक टावर। क्लॉक टावर ही है ना यहाँ पे। कितना हो गया इनू टाइम? टाइम हो गया है 3:32। और फ्रेंड्स अभी जो है हम लोग खड़े हुए हैं FRI कॉलोनी के बाउंड्री के बाहर, जो कि मेरा फेवरेट प्लेस है। मैं यहाँ से मतलब देख रही थी अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा हमारा जो है बचपन बीता है FRI में। और यहाँ पर जो अभी हम लोग गन्ने का जूस पीना था सबको, तो वही जो है यहाँ पर बनवा रहे थे गन्ने का जूस। देखिए गाइस अभी तो पी नहीं रहा था, जैसे कैमरा खुला वैसे अचानक से पूरा गटक गटक पी रहे। पानी पूनी पीने काम है। चलिए गाइस निकल चुके हैं हम वापस से सफर पे। तो गाइस मम्मा ले रही है अभी केले वहाँ से, प्रसाद चढ़ाना है ना, जागरण है आज। तो गाइस हमारे जो दादी और निक्कू है इनको गांव जाना है, तो ये जाएंगे विकास नगर मेरी बुआ के यहाँ। है दादी बुआ के यहाँ जाना है मेरा कजन और ये भाई, और हम लोग जाएंगे वहाँ पे और इनको छोड़ देंगे बुआ के यहाँ, और अगले दिन फिर ये गांव के लिए निकल लेंगे और हम जाएंगे जागरण के लिए। तो देखिए गाइस केला भी आ चुका है, पर्स में ना वो होगी सरदर्द की गोली होगी। लीजिए निक्कू तू ही रख ले, पर्स देना जरा। पर्स हाँ गोली होगी। गाइस मम्मा को सरदर्द की गोली खानी है, मम्मा का सर ऐसे ऐसे घूम रहा है। हो गया खत्म, पी लिया सारा, खत्म हो गया। यहाँ मत फेंकना ठीक है, आगे जाके कहीं साइड में फेंकना। खत्म हो गया भाई उसमें, अब मलाई निकाली अभी, तो मत कोने में मार। मलाई वाला नहीं, वो बिना मलाई वाला है। और फ्रेंड्स अभी जा रही हूँ मैं छोटी सिस्टर को लेने, क्योंकि वो भी आएगी साथ में। तो आज के लिए मैं इतना ही दिखाऊंगी, बाकी का ब्लॉग मैं कल कंटिन्यू करूंगी।